धीरे छोड़ो आप कुछ छोड़ा भाई है बहुत स्टिफ है मैं हर बार जैसे मूव कर रहा हूँ इनको फील कर रहा हूँ ये कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा हूं जी, एक्स आर्मी मैन है और इनके साथ में जो दिक्कत हो रही है, एक तो कमर में हमने देखा है अभी सारी थेरेपी इनकी की है, ये इतना टाइट है इसका पोस्चर बता नहीं सकता। कमर में भी यानी पूरी स्पाइन में ही इनकी ये टाइटनेस है, साइड से भी आप देखेंगे ये सारा ऊपर से नीचे तक उठा हुआ है। दूसरा हमने पाँव का जो असेसमेंट किया है उसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पाँव में प्रोनेशंस हैं, लो आर्चेस हैं और ये चलने के 200-300 मीटर के बाद ही इनके पाँव में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। उस दर्द की वजह से ये चल नहीं पाते और उनका काम यानी वैसे तो काफ़ी एक्टिव हैं। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना इनका एडजस्टमेंट से फ़ायदा होता है या खुलता है और फिर हम उसको फॉलोअप करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ईजी रिलैक्स हुकुम जी, ईजी ढीला छोड़ दीजिए और अच्छा ओके नाइस ईजी। मैं ऊपर से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, टर्न करेंगे हुकुम जी मेरी तरफ। चलो पाँव सीधा, इसको मोड़ लेंगे, एक्सरसाइज तो बहुत की है बट योगा नहीं किया है, उसकी कीमत पे कर रहे हैं। देखें किस मैं इसको ट्विस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ही टाइट है ये। इजी ढीला छोड़ो हुकुम जी, ढीला छोड़ो, बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है हमने। साइड टर्न लेंगे, इसको मोड़ लेंगे, इजी ओके ढीला छोड़ो हुकुम सिंह जी, इजी इजी। तो बहुत स्टिफ है, मैं हर बार जैसे मूव कर रहा हूँ इनको फील कर रहा हूँ ये कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। सीधा लेटेंगे, तो ये भी निशानी है कि कितनी मेहनत आपने की है। रिलैक्स इजी छोड़ दीजिए, इजी धीरे छोड़ो, अब इसको टाइट मत करो, ये टाइट करोगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे छोड़ो आप कुछ छोड़ा भाई है, नेक में थोड़ा सा हुआ बट मैंने इजी छोड़ो, धीरे छोड़ो कोई टेंशन नहीं। इतने टाइम में मैंने कोई इनसे ज़्यादा स्टिफ मैंने शायद 6-8 महीने में तो नहीं देखा। इजी जी, बहुत ज़्यादा टाइट हो आप, एक जो लिमिट होती है उसको भी आपने क्रॉस कर रखी है। आपको थोड़ा सा योगा करना शुरू कर देना चाहिए। ये एक्सरसाइज तो करता हूँ उसको, थोड़े सुबह सर्वाइकल वर्कआउट कुछ वो सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अच्छा। योगा करना है, मुझे भी बता देना सर्वाइकल की एक्सरसाइज बनी हो तो हमारे बारे में हॉस्पिटल में बता देना। शरीर इतना टाइट है और आप 4 एक्सरसाइज गर्दन की कर लोगे उससे क्या हो जाएगा। इजी ये देखो ये भी जाए, आ जाओ। अब कैसा लग रहा है थेरेपी के बाद? थोड़ा सा हल्कापन लग रहा होगा, आराम भी आएगा, लेकिन ये आराम तब तक नहीं जब तक कि किसी आदमी की जिसकी टांगी कमर ही नहीं मुड़ सकती पूरी, ठीक है? तो योगा आपको करना है, शरीर जब तक लचक नहीं आएगी। कोई दोस्तों आप लोग भी सुने इतना स्टिफ है, आपने देखा है कि इतना स्टिफ होना बहुत यानी मैं एडजस्टमेंट भी नहीं कर पा रहा, जबकि ज़्यादातर लोगों में हम पेल्विस रोटेट करके थ्रस्ट दे पाते हैं। हुकुम सिंह जी को मैं और बुलाऊंगा हफ्ते में 2 बार के लिए मैंने बोला है, और देखते हैं कि ये कितना इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप भी देखिएगा हुकुम सिंह जी।